नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा यकीन है आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान के संसार द कैन वर्ड में। मेरा नाम रेखा है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, सब अपनी फाइल के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़ और कलर्स के साथ पढ़ने के लिए तैयार रहें। आपको सीधे बैठना है और कार्य करते समय इधर उधर नहीं देखना है। तो चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न 51 निकालेंगे। आज हम इस प्रश्न में क्या करेंगे? हम चित्र देखकर शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे। क्या करेंगे? चित्र को देखेंगे और उस शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सब अपनी अपनी पेंसिल निकालिए। निकाली सबने अपनी पेंसिल, उसको अच्छे से पकड़ेंगे। पहले मैम लिखेगी, उसके बाद आपको लिखना है और मैम के साथ साथ आपको बोलना भी है, और जब आप खुद लिखते हैं तब भी आपको बोलना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो चलिए बताइए, ये किसका चित्र है? ये किसका चित्र है? ये दरी का चित्र है। किसका चित्र है? दरी। तो बोलिए मैम के साथ, द र पर बड़ी की मात्रा री, दरी दरी। अब आप लिखेंगे, लिखिए द र पर बड़ी की मात्रा री, दरी दरी। लिखा आपने। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से लिखेंगे, बोलिए द र पर बड़ी की मात्रा री, दरी दरी। लिखिए द र पर बड़ी की मात्रा री, दरी दरी। लिख लिया सबने। चलिए अब बताइए, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है? थाली। किसका चित्र है? ये थाली। तो बोलिए थ पर आ की मात्रा था, थ पर आ की मात्रा था, ल पर बड़ी की मात्रा ली, थाली थाली। अब आप लिखेंगे, थ पर आ की मात्रा था, ल पर बड़ी की मात्रा ली, थाली थाली। लिख लिया आपने। अब हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, बोलिए थ पर आ की मात्रा था, ल पर बड़ी की मात्रा ली, थाली थाली। लिख लिया सबने। चलिए बताइए, ये किसका चित्र है? किसका चित्र है? ये दादी का चित्र है। किसका चित्र है? दादी। तो बोलिए मैम के साथ, द पर आ की मात्रा दा, द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी दादी। लिख लिया आपने दादी। चलिए एक बार हम फिर से यहां पर लिखेंगे, बोलिए द पर आ की मात्रा दा, द पर बड़ी की मात्रा दी, दादी दादी। लिख लिया आपने। तो चलिए अब बताइए, ये किसका चित्र है? हाँ, शादी। तो बोलिए, श पर आ की मात्रा शाह,
दपर बड़ी की मात्रा दी शादी शादी लिख लिया आपने। लिखिए शादी शादी शादी। लिखा आपने? चलिए हम यहाँ पर एक बार फिर से लिखेंगे। श पर आ की मात्रा शा, द पर बड़ी की मात्रा दी शादी शादी। अब आप लिखेंगे। लिखिए श पर आ की मात्रा शा, द पर बड़ी की मात्रा दी शादी शादी। लिख लिया आपने शादी। चलिए अब बताइए ये किसका चित्र है? फकीर। किसका चित्र है ये? फकीर। तो बोलिए फ कपर बड़ी की मात्रा की र फकीर फकीर। लिखिए फ कपर बड़ी की मात्रा की र फकीर। लिखा सबने? अब हम यहाँ पर लिखेंगे दोबारा से। लिखिए फ कपर बड़ी की मात्रा की र फकीर फकीर। लिखिए फ कपर बड़ी की मात्रा की र फकीर फकीर। लिख लिया आपने? चलिए अब ये बताइए किसका चित्र है? कमीज। किसका चित्र है ये? कमीज। तो बोलिए क वहां पर बड़ी की मात्रा मी ज कमीज कमीज। लिखिए क म पर बड़ी की मात्रा मी ज कमीज कमीज। लिख लिया सबने? चलिए यहां पर लिखेंगे आप। बोलिए क म पर बड़ी की मात्रा मी ज कमीज कमीज। लिखा आपने कमीज? तो बताइए ये किसकी पिक्चर है? ये निकासी की पिक्चर है। किसी जगह से निकलना निकासी कहलाता है। ठीक है, तो बोलिए न पर छोटी की मात्रा नी कपर आ की मात्रा का सपर बड़ी की मात्रा सी निकासी निकासी। अब आप लिखिए। लिखिए न पर छोटी की मात्रा नी कपर आ की मात्रा का सपर बड़ी की मात्रा सी निकासी निकासी। लिखा आप सबने? चलिए अब हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे। बोलिए न पर छोटी की मात्रा नी क पर आ की मात्रा का स पर बड़ी की मात्रा सी निकासी निकासी। लिखिए न पर छोटी की मात्रा नी क पर आ की मात्रा का
स पर बड़ी की मात्रा सी, निकासी निकासी। लिखा आप सबने। चलिए अब बताइए ये किसका चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको किसका चित्र है? निवासी। निवासी कौन होता है? जैसे हम जयपुर के रहने वाले हैं तो हम जयपुर के निवासी हैं, ठीक है? तो मैम के साथ बोलिए, न पर छोटी की मात्रा, नी व पर आ की मात्रा, वा स पर बड़ी की मात्रा, सी निवासी निवासी। लिखिए, न पर छोटी की मात्रा, नी व पर आ की मात्रा, वा स पर बड़ी की मात्रा, सी निवासी निवासी। लिखा आप सबने। चलिए हम एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे। बोलिए, न पर छोटी की मात्रा, नी व पर आ की मात्रा, वा स पर बड़ी की मात्रा, सी निवासी निवासी। लिखिए, न पर छोटी की मात्रा, नी व पर आ की मात्रा, वा स पर बड़ी की मात्रा, सी निवासी निवासी। मैम ने अपना पेज पूरा कर लिया, अब आपकी बारी है अपना पेज पूरा करने की। सबको सुंदर सुंदर लिखना है। कर लिया सबने? बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, अब अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ 52 निकालेंगे। आज हम इस पृष्ठ में क्या सीखेंगे? हम थ की बारह खड़ी सीखेंगे। किसकी बारह खड़ी सीखेंगे? थ की। तो ठीक, सबसे पहले हम बोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? मैम के साथ साथ आपको दोहराना है। तो सब अच्छे से बैठिए और मैम के साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? बोलिए, थ था थे थी थु थु थे थई थो थाउ थंग था। अब फिर से बोलेंगे, बोलिए, थ था थि थी थु थु थे थई थो थाउ थंग था। सबने बोला मैम के साथ? चलिए अब हम यहाँ पर थ की बारह खड़ी लिखेंगे। तो सब अपनी पेंसिल अच्छे से पकड़ेंगे। सबसे पहले मैम लिखेगी, उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है? तो शुरू करें। बोली थो थ। लिखा सबने थ? अब बोलिए था था। लिख लिया आपने था? अब हम लिखेंगे थी थी। लिखिए थी। लिखा, हम लिखेंगे थी थी। थ था थी थी
लिखा सबने, आप लिखेंगे थू। लिख लिया आपने थू, अब लिखेंगे थू। थू लिखा आपने, अब हम लिखेंगे थे। थे लिखा आपने, हम लिखेंगे थई। थई लिखा आपने, आप लिखेंगे थो। थो अब हम लिखेंगे थाऊ। थाऊ अब हम लिखेंगे थंग। थंग लिखेंगे लिखिए था। लिख लिया सबने, अब एक बार फिर से बोलेंगे, बोलेंगे था था थी थी थू थू थे थई थो थू थंग था। सबने कर लिया, शाबाश। तो चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की फाइल का पृष्ठ 53 खोलेंगे। सबने खोल लिया, तो आज हम इस पृष्ठ में क्या सीखेंगे? हम क से ग तक छोटे की मात्रा लगाना फिर से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क से ग तक छोटे ओ की मात्रा लगाना सीखेंगे। छोटे ओ की मात्रा की ध्वनि कौन सी होती है? ओ, उसको हम जल्दी से बोलते हैं। छोटे ओ की मात्रा की ध्वनि कौन सी होती है? ओ, उसको हम जल्दी से बोलते हैं। और वो मात्रा कहाँ लगाते हैं हम व्यंजन पे? व्यंजन के नीचे लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? व्यंजन के नीचे लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो चलिए सब अपनी पेंसिल निकालिए और मैम के साथ साथ आपको बोलना है। सबसे पहले मैम लिखेगी, उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है मैम कहाँ पर मात्रा लगा रही है। ठीक है, तो बोलिए क पर छोटे ओ की मात्रा को। क पर छोटे ओ की मात्रा को। अब आप लगाएंगे क पर छोटे ओ की मात्रा। लगाई सबने, बोलिए कु। ख पर छोटे ओ की मात्रा खु। ख पर छोटे ओ की मात्रा खु। लगाई सबने ख पर छोटे ओ की मात्रा। अब हम ग पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो? गु। गु। ग पर छोटे ओ की मात्रा गु। लगाई सबने ग पर छोटे ओ की मात्रा। अब हम घ पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? घु। घ पर छोटे ओ की मात्रा घु। लगाई आपने, और अणे खाली पर कोई मात्रा नहीं लगती है। सबने लगाई। चलिए अब हम किस पे लगाएंगे? च पर छोटे ओ की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है ये? चु। तो बोलिए च पर छोटे ओ की मात्रा चु। च पर छोटे ओ की मात्रा चु।
छप्पर छोटे ओ की मात्रा छो, छप्पर छोटे ओ की मात्रा छो। लगाई सबने छ तर, अब हम ज पर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ज जू, क्या बन जाएगा, जू। लगाई सबने ज पर छोटे ओ की मात्रा, अब हम झ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये झू, झू। झ पर छोटे ओ की मात्रा झू, और यहाँ खाली पे कोई मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। तो अब हम ट पे लगाएंगे तो ट पर जब छोटे ओ की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है, टॉप पर छोटे ओ की मात्रा टू, टॉप पर छोटे ओ की मात्रा टू, ठ पर छोटे ओ की मात्रा ठू, ठ पर छोटे ओ की मात्रा ठू। लगाई सबने ठ पर छोटे ओ की मात्रा, बोलिए ठू। ड पर छोटे ओ की मात्रा डू, ड पर छोटे ओ की मात्रा डू, ढ पर छोटे ओ की मात्रा ढू, ढ पर छोटे ओ की मात्रा ढू। ण पर छोटे ओ की मात्रा णु, ण पर छोटे ओ की मात्रा णु, त पर छोटे ओ की मात्रा तू, त पर छोटे ओ की मात्रा तू, लगाई सबने त पर छोटे ओ की मात्रा तू, ठ पर छोटे ओ की मात्रा थू, ठ पर छोटे ओ की मात्रा थू, द पर छोटे ओ की मात्रा दू, द पर छोटे ओ की मात्रा दू, ध पर छोटे ओ की मात्रा दू, ध पर छोटे ओ की मात्रा दू, लगाई सबने ध पर छोटे ओ की मात्रा, न पर छोटे ओ की मात्रा नो, न पर छोटे ओ की मात्रा नो, न पर छोटे ओ की मात्रा नो, प पर छोटे ओ की मात्रा पु, प पर छोटे ओ की मात्रा पु, फ पर छोटे ओ की मात्रा फु, बोलिए फ पर छोटे ओ की मात्रा फु, फ पर छोटे ओ की मात्रा फु, लगाइए फ पर छोटे ओ की मात्रा फु, ब पर छोटे ओ की मात्रा बु, व पर छोटे ओ की मात्रा बु, व पर छोटे ओ की मात्रा बु, भ पर छोटे ओ की मात्रा बु, भ पर छोटे ओ की मात्रा बु, म पर छोटे ओ की मात्रा मु, म पर छोटे ओ की मात्रा मु। लगाई सबने म पे छोटे ओ की मात्रा, यहां तक सबने पूरा किया। अब हम य पर लगाएंगे तो य पर छोटे ओ की मात्रा यू,
यहाँ पर छोटे हुक की मात्रा यू। अब ध्यान से ये देखिए मैम, रॉ पर छोटे हुक की मात्रा नीचे नहीं लगती है के बीच में लगती है। और कैसे लगती है ध्यान से देखिए, इस तरह से र पर छोटे हुक की मात्रा रु, छोटे हुक की मात्रा र पर कभी भी नीचे नहीं लगती है, इसको बीच में लगानी पड़ती है। ठीक है, अब हम लगाएंगे ल पर छोटे हुक की मात्रा। तो ल पर छोटे हुक की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है, लु। ल पर छोटे हुक की मात्रा लु, ल पर छोटे हुक की मात्रा लु। लगाई सबने, अब हम व पे लगाएंगे। व पे छोटे हुक की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है, वो। व पर छोटे हुक की मात्रा वो। अब हम श पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, शो। श पर छोटे हुक की मात्रा शो। किया सबने श तक लगाई मात्रा, अब हम श षटकोण पे लगाएंगे तो बन जाएगा शो। श पर छोटे हुक की मात्रा शो। अब स पर छोटे हुक की मात्रा सु। स पर छोटे हुक की मात्रा सु। ह पर छोटे हुक की मात्रा हु। ह पर छोटे हुक की मात्रा हु। लगाई सबने हो तक, क्ष पर छोटे हुक की मात्रा क्षु। क्ष पर छोटे हुक की मात्रा क्षु। अब हम त्र पे लगाएंगे तो त्र पर छोटे हुक की मात्रा त्रु। त्र पर छोटे हुक की मात्रा त्रु। और ज्ञ पर छोटे हुक की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है, ज्ञ। मैम ने अपना पेज पूरा कर लिया है, अब आपकी बारी है। सबने अपना पेज पूरा कर लिया, अगर सबने अपना पेज पूरा कर लिया तो उसकी फोटो खींचकर मैम को व्हाट्सएप पर भेजेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे।